आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी पाए गए आसाराम को आजीवन कारावास की सजा। प्रदेश में आसाराम के आश्रमों के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 अप्रैल को 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर सागर और गुना में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश में इंट्रा स्टेट ई वे बिल आज से लागू और विश्व मलेरिया दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। जोधपुर अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के लिए दोषी पाए गए आसाराम को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के चलते मध्य प्रदेश में भी पुलिस सतर्क रही। फैसले के बाद आसाराम के समर्थक हंगामा न कर पाए, इसलिए छिंदवाड़ा, इंदौर और भोपाल में आसाराम के आश्रमों के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। भोपाल में भी जगह जगह पुलिस के जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहे। भोपाल में आसाराम बापू चौराहे का नाम बदलने को लेकर किए गए एक ट्वीट के जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे देश में संविधान, कानून और जनभावना से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये वो देश है जहां औरंगजेब रोड का नाम भी बदल दिया गया था, इसलिए जल्द ही आसाराम चौराहे के मामले में भी उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक के आदिवासी गांव चकल्दी में आयोजित असंगठित मजदूर और तेंदुपत्ता संग्राहकों के जिला स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। जिला लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के दौरान श्री चौहान ने 4 करोड़ की आईटीआई भवन, 95 लाख का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 80 लाख की राशि से बने ग्रामीण खेल परिसर का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने वन समितियों की महिला सदस्यों को पैरों में चप्पल पहनाई और एक साड़ी और पानी की बोतल देकर योजना का लाभ दिया। इस अवसर पर उपस्थित आदिवासियों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर 28 अप्रैल को सागर पहुंचेंगे। इस दौरान श्री कोविंद सागर के डॉ. हर सिंह गौर विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। साथ ही सदगुरु कबीर साहब महोत्सव में भी शामिल होंगे। वहीं 29 अप्रैल को राष्ट्रपति गुना के बामौरी में आयोजित असंगठित मजदूरों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। श्री कोविंद इसी दिन गुना में श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेंगे। कोविंद के प्रदेश दौरे को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। सागर और गुना में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने भविष्य निधि के अंशधारकों को अनियमित रूप से जमा राशि की सूचना फोन, एसएमएस और ईमेल के जरिए देने का फैसला किया है। ईपीएफओ ने अपने सभी अंशधारकों को उनके खाते में होने वाली गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से सूचना देने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन अंशधारकों को भी सूचना दी जाएगी जिनके खाते में नियमित रूप से भविष्य निधि जमा नहीं की जा रही है। इसके लिए खाताधारकों को अपना मोबाइल फोन नंबर ईपीएफओ के पास जमा कराना होगा। नियमित रूप से भविष्य निधि जमा कराने वाले अंशधारकों अपने खाते की जानकारी मिस्ड कॉल या उमंग ऐप के जरिए ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV के ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। संदेश टोल फ्री नंबर पर हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय दीर्घावधि कृषि मिशन के अंतर्गत केंद्र समर्थित योजना राष्ट्रीय बांस मिशन को 4वें वित्त आयोग की शेष अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए 1,290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय बांस मिशन के दिशा निर्देश तय करने के लिए कार्यकारी समिति को अधिकृत करने की भी स्वीकृति दे दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश में इस दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि दिसंबर के बाद वो सभी निर्माणाधीन अधूरे काम पूरे होंगे जो उनके संसदीय क्षेत्र में मौजूदा प्रदेश सरकार ने पूरे नहीं करवाए हैं। श्री सिंधिया ने शिवपुरी में संवाददाताओं से कहा कि जिन कामों में प्रदेश सरकार का हस्तक्षेप नहीं है वे अपने समय पर चल रहे हैं, जबकि सीवर प्रोजेक्ट और शिवपुरी की सिंधु नदी जल आवर्धन योजना प्रदेश सरकार के अंतर्गत है, इसलिए इनका काम समय निकलने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 4 मई को भोपाल दौरे पर आएंगे। इस दौरान श्री शाह पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में युवा मोर्चा के चलो पंचायत अभियान की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इस अभियान के तहत 14 मई को प्रदेश की लगभग 23,000 पंचायतों में भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता पहुंचकर बैठकें करेंगे। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि पात्र लोगों को आवासीय पट्टों का वितरण जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां पर मुख्यमंत्री टोकन के रूप में आवासीय पट्टों का वितरण होना है, वहां पर शेष लोगों को काउंटर के माध्यम से पट्टे वितरित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में लगभग 40 लाख आवासीय पट्टों का वितरण किया जाएगा। श्री गुप्ता आज भोपाल में राजस्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में इंट्रा स्टेट ई वे बिल आज से लागू हो गया है। 50 किलोमीटर की दूरी तक 50,000 रुपए तक का सामान ले जाने पर ई वे बिल लेना अनिवार्य होगा। पहले ये दूरी 10 किलोमीटर तय की गई थी, लेकिन व्यापारियों की मांग पर इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। शहडोल सर्कल में इसे लेकर व्यापक तैयारी की गई है। फिलहाल 11 वस्तुओं के परिवहन पर ई वे बिल लागू होगा। जीएसटी विभाग द्वारा सघन चेकिंग अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इसके लिए इंस्पेक्टर और एसटीओ की ड्यूटी लगाई गई है। ई वे बिल नहीं लेने पर 3 तरह से जुर्माना लगाया जाएगा। सामान खरीदने बेचने के अलावा सामान का परिवहन करने वाले से भी जुर्माना वसूली का प्रावधान है। विश्व मलेरिया दिवस पर आज राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के जिलों में मलेरिया पर नियंत्रण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। खंडवा में जन जागृति रैली को प्रभारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंदौर में मलेरिया नियंत्रण के लिए जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिवपुरी जिले में लार्वा को नष्ट करने के लिए सघन अभियान शुरू किया गया। इसके तहत शिवपुरी के 39 वार्डों में नगरपालिका और मलेरिया विभाग के 14-14 कर्मचारियों की 14 दलों द्वारा 3 चरणों में लार्वा नष्ट करने का काम किया जाएगा। वहीं अशोकनगर में भी विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। छतरपुर जिले में आज सुबह बारात लेकर लौट रहे सवारी वाहन और एक ट्रक की भिड़ंत में 4 बारातियों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। जिले के गुलगंज थाना क्षेत्र में अनगौर गांव के पास बारात से लौट रहे सवारी वाहन के एक ट्रक से टकरा जाने से यह हादसा हुआ। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इंदौर की एक युवती द्वारा रविवार को किए गए ट्वीट से सामने आए छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पेशे से मॉडल बताई जा रही युवती ने ट्विटर पर बताया था कि रविवार रात अपने दुपहिया वाहन से चलते वक्त 2 युवकों ने उनसे छेड़खानी की थी। युवती ने इस दुर्घटना के बाद अपने शरीर पर आई चोट की भी तस्वीर पोस्ट की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए ट्वीट पर ही इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम में चिकित्सा महाविद्यालय में नव निर्मित बास्केटबॉल परिसर का लोकार्पण किया गया। रायसेन के सिलवानी जनपद की ग्राम पंचायत समनापुर के तत्कालीन पंचायत सचिव की सेवा वित्तीय अनियमितताओं के चलते समाप्त कर दी गई है। टीकमगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के लिए चिन्हित हितग्राहियों को राशि का वितरण शुरू किया गया है। शिवपुरी में आज सीआरपीएफ सीआईएटी के दीक्षांत समारोह में 201 नव आरक्षकों ने शपथ ली। खंडवा में मिशन इंद्रधनुष के तहत 100% बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया और बैतूल में महिला एवं बाल विकास विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आज संपन्न हुई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी पाए गए आसाराम को आजीवन कारावास की सजा। प्रदेश में आसाराम के आश्रमों के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 अप्रैल को 2 दिवसीय मध्यप्रदेश दौरे पर सागर और गुना में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश में इंट्रा स्टेट ई वे बिल आज से लागू और विश्व मलेरिया दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।